हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज क्लास टेंथ साइंस एक्टिविटी 1.10। इस एक्टिविटी में ये डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए ये लिया गया है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, इन दोनों सोल्यूशन की हेल्प से शो करना है। अब एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। अब इस टेस्ट ट्यूब में ये ले लीजिए सोडियम सल्फेट, ये ले लिया। अब इस सोडियम सल्फेट में कुछ ड्रॉप्स या ये आप मिला लीजिए बेरियम क्लोराइड। जब बेरियम क्लोराइड इसमें मिला देंगे तो आप ये देखेंगे ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। यह अब इसे आप ध्यान से देखें, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट इसमें फॉर्म हो रहा है। ऐसा कलर दिखाई दे रहा है व्हाइट। इसमें जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है, यह प्रेसिपिटेट किसका फॉर्म हुआ? जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाते हैं तो सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में बेरियम से ऊपर है, यानी सोडियम की रिएक्टिविटी बेरियम से अधिक होती है, इसलिए उस सोल्यूशन से वह बेरियम को डिस्प्लेस कर देता है। और जब बेरियम को डिस्प्लेस करता है तो क्या क्या बना देता है? अब इसमें आप देखेंगे कि इसका क्लोरीन और इसका सोडियम क्लोराइड और इसका बेरियम और सल्फेट बेरियम सल्फेट बनाता है। इस बेरियम सल्फेट का यह वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। अगर इसे कुछ देर के लिए रख दिया जाए, इसे अगर कुछ देर के लिए रख दें चलिए तब तक इसको एक्सप्लेन करते हैं। सोडियम सल्फेट एक्वस सोल्यूशन बेरियम क्लोराइड, अब यह फॉर्म करता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट का सोडियम और बेरियम क्लोराइड से बेरियम, इन दोनों की रिएक्टिविटी को अगर देखें तो सोडियम की रिएक्टिविटी बेरियम से अधिक, इसलिए उस सोल्यूशन से सोडियम बेरियम को हटा करके उसकी जगह ले लेता है, यानी डिस्प्लेस कर देता है। इस तरह से बेरियम सल्फेट बनता है और बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है और साथ में सोल्यूशन में एक्वस सोडियम क्लोराइड। अब आप इसमें देखें कि सोडियम जो है सोडियम यानी Na इज मोर रिएक्टिव देन बेरियम एंड हेंस सोडियम डिस्प्लेसेस बेरियम फ्रॉम बेरियम क्लोराइड एंड फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड। अगर हम इसे देखें रिएक्शन के अंतर्गत तो जो बेरियम सोडियम सल्फेट है या सोडियम आयन और सल्फेट आयन में टूटता है, ब्रेक होता है, इसी तरह से बेरियम क्लोराइड बेरियम और क्लोरीन आयन में ब्रेक होता है। अब सोडियम जो है बेरियम को डिस्प्लेस करेगा और जब इसे डिस्प्लेस करेगा यानी क्लोरीन के साथ आ जाएगा Na, तो Na के साथ हो गया Cl और जो बच गया सल्फेट, सल्फेट की जगह पर आ जाएगा, सल्फेट के साथ आ जाएगा बेरियम। इस तरह से ये Ba और यानी बेरियम आयन और सल्फेट आयन एक साथ, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन एक साथ, तो ये बना देता है NaCl और ये बन जाता है BaSO4 और इसी BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट इसमें मिलता है।
इस तरह से आपने देखा कि सोडियम सल्फेट ये हो गया बेरियम सल्फेट राइट साइड, बेरियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड, यानी दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज हो गए और इसी वजह से इस समीकरण को या इस रिएक्शन को कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर इस सोल्यूशन को कुछ देर के लिए रख दिया जाए तो इसके जो प्रेसिपिटेट हैं या प्रेसिपिटेट फॉर्म यानी सॉलिड फॉर्म है ये नीचे बॉटम में आ जाते हैं। ये जैसे कि कुछ देर पहले का रखा हुआ था, इसमें आप देख रहे हैं बॉटम में इसके आ गया और यह धीरे धीरे जो है इस सोल्यूशन से ये पार्टिकल्स उसके नीचे की तरफ ये डिस्प्लेस हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, यानी बॉटम में इसका प्रेसिपिटेट हमें मिलेगा। तो इसी तरह से और एक्टिविटी के लिए आप इस वीडियो को देखते रहें।